प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद द्वारा उत्तर लिखो। सुनो पहले, यह वीडियो कक्षा आठवीं के बच्चों के लिए है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद द्वारा उत्तर लिखो। दो, व्याधस्य नाम किम आसीत, शिकारी का नाम क्या था। देखो, अर्थ प्रश्न का अर्थ भी बता रहे हम, व्याधस्य नाम किम आसीत, शिकारी का नाम क्या था। क्या नाम था? चंचल है। उत्तर हो जाएगा चंचल है। अगला क्वेश्चन है, चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को, व्याघ्रम बाघ को कुत्र कहाँ दृष्टवान देखा। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा। उत्तर हो जाएगा जाले बद्ध है, जाल में बंधा हुआ। जाले बद्ध है, जाल में बंधा हुआ। अगला क्वेश्चन है, कस्मै किमपि एकार्यम ने भवति, किसके लिए, ध्यान दो, किसके लिए कुछ भी कार्य गलत नहीं होता है। किसके लिए कुछ भी कार्य या कोई भी कार्य गलत नहीं होता है, किसके लिए। तो कस्मै की जगह क्षुधात्राय, क्षुधार्ताय, क्षुधार्ताय का मतलब होता है भूख के लिए या पेट के लिए। क्षुधार्ताय का मतलब क्या होता है? भूख के लिए या पेट की भूख के लिए, ठीक है। किसके लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता है, कोई भी कार्य, तो पेट की भूख के लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता है। बद्री गुलमानाम पृष्ठे का नीलीना आसीत, बेर की झाड़ियों के पीछे। देखो, बद्री गुलमानाम पृष्ठे, बेर की झाड़ियों के पीछे कामन कौन नीलीना छिपी हुई आसीत मन थी। बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपी हुई थी, कौन छिपी हुई थी, लोमसिका, लोमड़ी, ठीक है। सर्वे किम समीहते, सभी किसमें, ध्यान दो, सभी किसमें निहित होते हैं। सर्वे सभी किम समीहते, किसमें समाहित या निहित होते हैं, किसमें, स्वार्थम, स्वार्थ में, सभी स्वार्थ में निहित होते हैं। निशाय व्याधः किम याचत, बेसहारा, बेसहारे शिकारी ने क्या याचना की। बेसहारे व्याधः शिकारी ने किम याचत, क्या याचना की। प्राण भिक्षाम, प्राणों की भिक्षा की याचना की। बेसहारे शिकारी ने प्राणों की भिक्षा की याचना की, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन को आप आराम से लिख लो, वीडियो को रोक लीजिए आप और प्रश्न लिख के उनके उत्तर लिख सकते हो, ठीक है। चलें आगे, प्रश्न नंबर दो, पूर्ण वाक्यन उत्तर, पूर्ण वाक्य द्वारा उत्तर दो। चंचलेन वने किम कृतम, चंचलेन वने किम कृतम, चंचल द्वारा वन में क्या किया गया। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल द्वारा वन में क्या किया गया, क्या किया गया, जाल को फैलाया गया, ठीक है। तो आप उत्तर लिखेंगे, चंचलेन वने जालम प्रसारयत, चंचल के द्वारा वन में जाल फैलाया गया। क्लियर, उत्तर पूर्ण वाक्य में बोल रहा हूं मैं, चंचलेन वने जालम प्रसारयत, ये उत्तर हो जाएगा। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हो गई या किस प्रकार शांत हो गई, बाघ की प्यास कैसे या किस प्रकार शांत हो गई। तो कथम की जगह क्या लिखोगे, ध्यान दो, नद्दहा जलम पित्वा, नदी का जल पी करके। देखो, आप उत्तर दोगे पूर्ण वाक्य में, व्याघ्रस्य पिपासा नद्दहा जलम पित्वा शांता अभवत, बाघ की प्यास नदी का जल पी करके शांत हो गई। जलम पित्वा व्याघ्रस्य किम अवदत्, जल पी करके बाघ क्या बोला, जल पी करके बाघ क्या बोला। तो उत्तर लिखोगे आप, जलम पित्वा व्याघ्रः अवदत् यत्
मैं पिपासा साम्य, यानी मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम, अब अहम विभुक्षित अस्मि, मैं भूखा हूँ, अब मैं भूखा हूँ, मैं तुमको खाऊंगा, ऐसे कहा था ना, तो शॉर्ट में उत्तर दिया है मैंने। जल पी करके बाघ ने क्या कहा, तो जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत् यत् मे पिपासा साम्ये सांप्रतम अहम विभुक्षितः अस्मि। इतना ही लिख दो भाई, ठीक है। जल पी करके बाघ ने, बाघ बोला या बाघ ने कहा, क्या कहा, कि मेरी प्यास शांत हो गई है, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। हिंदी में बोला है मैंने, अब ये संस्कृत है, ठीक है। चंचले मातृस्व इति काम संबोधितवान, चंचल ने मौसी, देखो चंचल ने मातृस्व मौसी ऐसा किसको संबोधित किया, चंचल ने मौसी किसको संबोधित किया था भाई, बताइए। लोमड़ी को, काम की जगह, काम की जगह हम लिख देंगे लोमसी काम, क्या हो जाएगा, लोमसी काम, ठीक है। अगला है, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा व्याधः किम अक्रोत, जाल में पुनः बंधा बंधे हुए बाघ को देख करके शिकारी ने क्या किया, शिकारी ने क्या किया, ठीक है। गृहम प्रत्यागमनस्य, ध्यान दो भाई, जाल में पुनः बंधा हुआ बाघ को देख करके शिकारी ने क्या किया, गृहम प्रत्यागमनस्य विचारम अक्रोत, घर की ओर लौटने का विचार किया भाई, शिकारी ने घर की ओर लौटने का क्या किया, विचार किया। तो उत्तर दोगे, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः गृहम प्रत्यागमनस्य विचारम अकरोत, ये पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। देखो कैसे लिखोगे, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः गृहम प्रत्यागमनस्य विचारम अकरोत, ये पूर्ण वाक्य में आपका उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न हमने दो पढ़ लिए हैं, तीसरा प्रश्न क्या है, देखो, तीसरा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्य कौन किसके लिए कहता है, कौन किसके लिए कहता है, कौन किसको कहता है, ये ध्यान रखना। ये वाक्य लिखे हुए हैं, ये वाक्य कौन किसको कह रहा है, जैसे पहला उदाहरण है, अब मैं तुमको खाऊंगा, मैंने आपको बताया ना, अधूना लिख दो, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुमको खाऊंगा, किसने कहा था, किसने कहा था भाई, बाघ ने कहा था, किससे, शिकारी से। तो व्याघ्रह बाघ ने कहा व्याधम शिकारी से, ठीक है, बाघ ने कहा किससे, शिकारी से, अब मैं तुमको खाऊंगा, तो ये किसने कहा था, बाघ ने, किससे कहा, शिकारी से, ठीक है। जो कहेगा उसमें प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, किसको कह रहा है उसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, ध्यान रखना। जो इस कथन को जो कह रहा है उसमें प्रथमा लगाएंगे, किसको कहेगा उसमें द्वितीय लगाएंगे। तो अब मैं तुमको खाऊंगा, ये बाघ ने कहा था, व्याघ्र है, प्रथमा लग गई, किसको कहा था, शिकारी को, तो व्याधम, तुम्हारा कल्याण हो, ते, देखो कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, कौन कह रहा है, तुम्हारा कल्याण हो, बाघ कह रहा है किससे, शिकारी से, व्याघ्र है व्याधम, सही है, बाघ ने कहा किससे, शिकारी से। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं या मेरे में स्नान करते हैं, लोग मेरे में स्नान करते हैं, किसने कहा था नदी जल ने, तो नदी जलम किससे कहा, चंचलम, चंचल से, किससे कहा भाई, चंचल से, लोग मेरे में स्नान करते हैं, तो किसने कहा यह कथन, नदी जल, नदी के जल ने, नदी जलम, और किससे कहा, चंचलम, चंचल से। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया, तो ये किसने कहा, देखो मैंने तुम्हारे लिए, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या वणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया, ये किसने कहा, शिकारी ने कहा, व्याध है, किससे कहा, बाघ से, व्याघ्रम, ठीक है। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी छेदन करते हैं, जहाँ कहीं भी प्रहार करते हैं या छेदन करते हैं, किसने कहा ये कथन, वृक्ष ने, किससे, चंचल से, चंचलम, तो वृक्ष है, चंचलम हो जाएगा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय,
अब बार बार कूद करके दिखाओ। देखो संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्श्य, अब या इस समय बार बार कूद करके दिखाओ। किसने कहा? लोमसी का, लोमड़ी ने कहा, व्याघ्रम बाघ से। किससे कहा? लोमड़ी ने कहा ये कथन, किसे? बाघ से। तो ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। देखो नीचे देखो, रेखांकित पदों को आधार, रेखांकित पद को आधार करके प्रश्न निर्माण करो। क्या करना है? प्रश्न निर्माण। देखो जालात, देखो ये उत्तर हैं, इनको प्रश्न बनाना है। उत्तरों का क्या बनाना है? प्रश्न। ये सारे के सारे उत्तर हैं, वो कह रहा है रेखांकित पद का, पद को आधार करके प्रश्न निर्माण करो। अब ये उत्तर लिख रहे हैं, रेखांकित पद जो दे रखे हैं ये सारे के सारे उत्तर हैं, ये लाइन ही पूरी उत्तर है, लेकिन प्रश्न इससे बनाना है। जालात पंचमी विभक्ति एक वचन है तो कस्मात हो जाएगा। वृक्षम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, कम हो जाएगा। लोमसिकायी चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, कश्यई हो जाएगा। वृक्षाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, केशाम हो जाएगा। ये भी तो षष्ठी विभक्ति एक वचन बहुवचन है। नद्दहा षष्ठी विभक्ति एक वचन है, कश्यः षष्ठी विभक्ति एक वचन है। देखो जब रेखांकित पद हों इनमें सबसे पहले लिंग विभक्ति और वचन देखना है। जाल लिंग कौन सा है, विभक्ति कौन सी और वचन कौन सा है, ठीक है। नपुंसक लिंग शब्द है, पंचमी विभक्ति एक वचन है। नपुंसक लिंग पे जाएंगे किम शब्द पे, नपुंसक लिंग पंचमी का एक वचन क्या होगा? कस्मात। वृक्ष पुलिंग है, द्वितीया का एक वचन है, पुलिंग पे जाओ द्वितीया विभक्ति का एक वचन कम मिलेगा आपके लिए। लोमशिका यही चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन है, लेकिन लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो स्त्रीलिंग पे जाओ चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होगा कश्यई। केश वृक्षाणाम षष्ठी विभक्ति है, वृक्ष पुलिंग है, पहले लिंग पहचानो। पुलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पुलिंग पे जाओ षष्ठी विभक्ति बहुवचन केशाम। नद्दहा स्त्रीलिंग शब्द है, नदी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, स्त्रीलिंग जाओ षष्ठी विभक्ति का एक वचन कश्यः। इन रेखांकित पदों के स्थान पर आपको ये रखने हैं, बाकी के ज्यों का त्यों उतारना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे जालात लिखा हुआ है इसकी जगह कस्मात लिख देना, बाकी का ज्यों का त्यों उतार देना। वृक्षम की जगह कम लिख देना, लोमशिकाय की जगह कश्य लिख देना, वृक्षाणाम की जगह केशाम, नद्दा की जगह कश्यः, बाकी का ज्यों का त्यों, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, यही लिखना है प्रश्न बनाते समय। शायद चौथा क्वेश्चन भी आप वीडियो रोक करके आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन पे चलें। लो भाई मंजूषा से पद चुन करके कथा की पूर्ति करो। मंजूषा से पद लेकर के, पद चुन करके कथा की पूर्ति करनी है। देखो ये मंजूषा में पद हैं, वृद्ध है, वृद्ध कृतवान किया, अकस्मात अचानक दृष्टवा देख करके, मोचई तुम छुड़ाने के लिए या छुड़ाने का, से अट्ठासम हंसी के साथ, क्षुद्र है क्षुद्र, तरही तो स्वय किए अपने कर्तव्यम, सॉरी कर्तव्यम है क्या, कर्तनम है ये, कर्तव्यम नहीं कर्तनम, काटना। कर्तनम का मतलब क्या होता है? काटना। अब ये कहानी दे रखी है आपको, कथा दे रखी है, तो ये जहाँ जहाँ बरान आएंगे वो मैंने भर रखे हैं। एक वन में एक वृद्ध बाघ था, इसी पाठ पर कहानी है, ये थोड़ा सा चेंज है। एक वन में एक वृद्ध बाघ था, वह एक बार शिकारी के द्वारा फैलाए हुए जाल में बंधा हुआ हो गया। उसने बहुत प्रयास किया, कृतवान आ गया, किंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ, ठीक है, जाल से मुक्त नहीं हुआ। आगे खाली जगह है, वहाँ देखो अकस्मात अचानक, यहाँ खाली जगह में क्या आएगा? अकस्मात आएगा, भर लेना, अकस्मात अचानक। वहाँ एक चूहा आ गया, इस खाली जगह में क्या आएगा भाई बताइए? अकस्मात, देखो ये रहा अकस्मात, वहाँ एक चूहा आ गया। वृद्ध बाघ को देख करके वह उससे बोला, अरे आप जाल में बंधे हुए हो, मैं तुमको छुड़ाना चाहता हूँ, तो देखो छुड़ाना, मोचई तुम का अर्थ होता है छुड़ाना, इच्छा में चाहता हूँ। तो पहली खाली जगह में आया है वृद्ध है, दूसरी में आया है कृतवान, तीसरी में आया है अकस्मात, चौथी में दृष्टवा,
पांचवी में मोचई तुम। अब आगे देखो, वैसा सुन करके, वैसा सुन करके बाघ हंसी के साथ बोला, से अट्ठासम, हंसी के साथ। से अट्ठासम का मतलब क्या है? हंसी के साथ बोला, अरे तुम, अरे आगे देखो, आगे अरे तुम क्षुद्र जीव, अरे तुम क्षुद्र जीव, अरे तुम क्षुद्र जीव मेरी सहायता करोगे? अरे तुम क्षुद्र जीव यानी छोटे से प्राणी मेरी सहायता करोगे? यदि तुम मुझको छुड़ाओगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। यदि तुम मुझको छुड़ाओगे तो, तरही आ गया, देखो खाली जगह में तो, तरही का अर्थ होता है तो, मैं तुमको नहीं मारूंगा। चूहे ने अपने लघु दांतों से उस जाल को काटना काट करके, कर्तनम कृत्वा, काट करके उस बाघ को बाहर निकाल लिया। उस बाघ को क्या कर लिया? बाहर किया यानी बाहर निकाल लिया। इस कहानी को एक बार आप और दोबारा से समझ सकते हैं। एक वन में एक वृद्ध बाघ था। वह एक बार शिकारी के द्वारा फैलाए हुए जाल में बंधा हुआ हो गया। उसने बहुत प्रयास किया यानी बहुत प्रयास किया किंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ। अचानक अकस्मात आएगा यहाँ पे, वहाँ अचानक वहाँ एक चूहा आ गया। वृद्ध बाघ को देख करके वह उससे बोला, अरे आप जाल में बंध गए, बंधे हुए हो, मैं तुमको छुड़ाना चाहता हूँ। वैसा सुन करके बाघ ने हंसी के बाघ हंसी के साथ बोला, अरे तुम क्षुद्र जीव मेरी सहायता करोगे? यदि तुम मुझको चाहते हो तो मैं तुमको यदि तुम मुझको छुड़ाओगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। चूहे ने अपने छोटे दांतों से, लघु दंतई का मतलब छोटे दांतों से, उस जाल को काट करके उस बाघ को बाहर निकाल लिया। तो ये पांचवा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, यथा निर्देशम उत्तरम उत्तरत, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। ये पंक्ति दे रखी है, से लोमशिकायै सर्वाम कथाम नियवद्यत। अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद है सर्वहा। क्या है? सर्वाम। देखो ये रहा सर्वाम, वो कह रहा है से लोमशिकायै सर्वाम कथाम नियवद्यत। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में विशेषण पदम किम, विशेषण पद क्या है? तो विशेषण पद है सर्वाम। ठीक है, अगला प्रश्न है, अहम त्वत् कर्ते धर्मम आचरितवान, अत्र अहम इति सर्वाम सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम। ये पंक्ति दे रखी है, यहाँ अहम, अहम ये रहा ना भाई, यहाँ अहम सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? देखो अहम को देखो, अर्थ करके देखो, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तो किसने कहा ये कथन, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया? किसने कहा? शिकारी ने। शिकारी का नाम क्या था? चंचल। अब प्रश्न कसमय में कर रहा है, किसके लिए? चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में। तो मैं किसके लिए आया है, शिकारी के लिए या चंचल के लिए? तो व्याधमन शिकारी होता है, तो चतुर्थी व्यक्ति एक वचन लगा दो, व्याधाय, चंचल में लगाओगे तो चंचलाय। तो उत्तर हो जाएगा, प्रश्न यह है, अहम त्वत् कर्ते धर्मम आचर, यहाँ अहम सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आप लिखोगे व्याधाय या चंचलाय। ठीक है, ये उत्तर है, शिकारी के लिए या चंचल के लिए। सर्वे स्वार्थम समीहते, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? सर्व है। उत्तर क्या है भाई? सर्व है। ठीक है, सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथ्यति, वाक्यात एकम अव्यम पदम चित्वा लिखत। वाक्य से एक अव्यय पद चुन करके लिखो। अव्यय पद है आपका सहसा, ये अंडरलाइन दे रखा है मैंने, ये अव्यय पद है, ध्यान रखना। ये पंक्ति दे रखी है और वो कह रहा है वाक्य से एक अव्यय पद चुन करके लिखो, तो ये उत्तर है सहसा। का वार्ता माम अपि विज्ञापय, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रियापद का पद परिचय भी लिखो। विज्ञाप्य ये क्रियापद है, पद परिचय क्या है? वी धन ज्ञा धन ल्यप, वी धन ज्ञा विज्ञाय हो जाता है, विज्ञाप्य बताओ। ठीक है, ध्यान रखना, इस वाक्य में क्रियापद क्या है?
क्रियापद क्या है? विज्ञाप्य, ये अंडरलाइन कर दिया। अब पद परिचय का मतलब है ये विज्ञाप्य, बताओ इसका कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है, ये इस तरह से पद परिचय हो जाता है। इस वाक्य में क्रियापद क्या है, इतना ही पूछ रहा है वो, विज्ञाप्य उत्तर देना है। क्रियापदम बराबर विज्ञाप्य, ठीक है। क्रियापद का पद परिचय भी लिखो, ये भी प्रश्न है। तो इसमें उपसर्ग धातु और प्रत्यय, वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और ल्यप प्रत्यय है, ध्यान रखना। आगे हम चलते हैं सातवें प्रश्न पे। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उदाहरण के अनुसार जैसे मात्र की प्रथमा विभक्ति है, ये माता मातरौ मातरः, माता प्रथमा है, मात्र शब्द की प्रथमा विभक्ति माता मातरौ मातरः। ऐसे ही स्वसर की प्रथमा बताओ, प्रथमा लिखनी है स्वैसा स्वैसारौ स्वैसारः, ठीक है। मात्र शब्द की तृतीय विभक्ति क्या है, आपको दे रखा है मात्रा मातृभ्याम मातृ भी, तो स्वस्र की तृतीय विभक्ति स्वस्रसा स्वस्रभ्याम स्वस्र भी। अब स्वस्र की सप्तमी आपको दे रखी है स्वस्री स्वस्र हो स्वस्रसु, ऐसे ही मात्र की आपको लिखनी है सप्तमी विभक्ति मात्र की लिखनी है, ये गलत लिख दिया है यहाँ पे, मातरी मात्र हो मातृसु, गलत लिख दिया है भैया, स्वस्र की लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है इस लाइन में। मात्र जो शब्द है उसकी सप्तमी लिखनी है मातरी मातरी, ऐसे छोटी री लगानी है, मातरी मात्र हो मातृसु, ऐसे लिख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं हम, स्वस्र की षष्ठी विभक्ति दे रखी है स्वसुहु स्वस्रहो स्वस्रीणाम, मात्र की लिख दो मातुहु, ऐसे ही बनानी है मातुहु मात्रहो मातृणाम, ठीक है। इस तरह से ये रिक्त स्थान आपको भरने हैं। आगे चलते हैं तो विद्यार्थियों लास्ट क्वेश्चन है आपका, धातु प्रत्यय लिखो। धातुम प्रत्ययम च लिखत, धातु और प्रत्यय लिखो। गंतुम में गम धातु है तुमुन प्रत्यय, देखो गम धातु तुमुन प्रत्यय। द्रष्टुम में द्रष धातु तुमुन प्रत्यय। करणीयम में क्री धातु अनियर प्रत्यय। पातुम में पा धातु तुमुन प्रत्यय। खादितुम में खाद धातु तुमुन प्रत्यय। कृत्वा में क्री धातु कत्वा प्रत्यय, आपको ये सब कुछ लिखा हुआ है। गंतुम में मैंने बता दिया गम धातु तुमुन प्रत्यय लिख रहा है आपको, गम धातु है तुमुन प्रत्यय। द्रष्टुम में द्रष धातु तुमुन प्रत्यय। करणीयम में क्री धातु है अनियर प्रत्यय। पातुम में पा धातु तुमुन प्रत्यय। खादितुम में खाद धातु तुमुन प्रत्यय। कृत्वा में क्री धातु तुमुन प्रत्यय। तो विद्यार्थियों ये आपका लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आज के लिए इतना ही, अगले पाठ के साथ उपस्थित होंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।